नमस्कार दोस्तों, सर्दियों में वाटर हीटर हर एक घर की जरूरत बन जाता है और इन सर्दियों में अगर आपको तलाश है बेस्ट वाटर हीटर की तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में अवेलेबल टॉप 4 वाटर हीटर्स के बारे में। इस लिस्ट को बनाने में हमने मुख्य रूप से 4 बातों को ध्यान में रखा, जिसमें सबसे जरूरी है सेफ्टी फीचर्स, दूसरी ड्यूरेबिलिटी, भैया पैसा दिया है चीज लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, तीसरी चीज उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन, और चौथी चीज आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है। कल को कोई तकलीफ आए हमें टाइम पर सर्विस मिल जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सर्दी तो पड़ रही है और बंदा आ रहा है 15 दिन बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्विस हमें प्रॉम्प्ट और फास्ट मिल जानी चाहिए। तो हम इन मुख्य रूप से 4 बातों को ध्यान में रखा, इसके अलावा 2 और बातें जिसमें सबसे जरूरी चीज लोकल फॉर वोकल का भी हमने ध्यान रखा है कि हमने कोशिश की है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करें, तो हमने चूज किए हैं वही प्रोडक्ट्स जो मेड इन इंडिया हो लेकिन बेस्ट क्वालिटी हो, क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और दूसरी चीज प्राइस का भी हमने बजट का भी ध्यान में रखा है, अगर किसी का बजट 6000 रुपए का है तो कौन सा लेना चाहिए, और अगर किसी का बजट 10000 का है जिसके लिए तो उनको कौन सा लेना चाहिए, तो हमने इस बात का भी ध्यान में रखा है। तो चलेंगे हम बॉटम टू टॉप की तरफ, बात करेंगे नंबर 4 के। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 4 से। दोस्तों नंबर 4 पर है वीनस सेलो वाटर हीटर। वीनस लगभग 55 साल पुराना मैन्युफैक्चरर है और वाटर हीटर कैटेगरी के अंदर इंडिया में लीडर ब्रांड है, बहुत बड़ी रेंज आती है और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी भी होती है। सेलो मॉडल की अगर हम बात करें तो टैंक में ग्लास लाइनिंग कोटिंग की हुई है, एनक्लो 800 एलिमेंट दिया हुआ है, मैग्नीशियम एनोड के साथ में आता है जिससे कि एलिमेंट की लाइफ बढ़ जाती है, वारंटी 7 साल टैंक के ऊपर है और 3 साल एलिमेंट के ऊपर है और 2 साल कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर है, 5-स्टार रेटेड गीजर है, सामने की तरफ टेम्परेचर इंडिकेटर भी दिया हुआ है और थर्मोस्टेट भी दिया हुआ है। इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये लगभग आपको मार्केट में 6 से 6500 रुपए के आसपास मिलेगा। इसका बाय लिंक जो भी इसकी करंट प्राइस है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जा जाकर आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं जो भी इसकी करंट प्राइस हो, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत शानदार है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी कमी की अगर मैं बात करूं तो जो शेप है इसका वो सिलेंड्रिकल शेप है और मेटल बॉडी से बना हुआ है तो ये रस्ट फ्री नहीं हो पाता है और शेप थोड़ा सा पुराना शेप है। पैसा दे रहे हैं, बाथरूम में कोई चीज सुंदर लगे तो क्या दिक्कत है, तो शेप थोड़ा सा पुराना है लेकिन क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी बहुत शानदार है। बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों जहां वीनस गीजर में जो बॉडी थी आउटर बॉडी वो मेटल की थी, वहीं हमने जो नंबर 3 पर लिया है वो है क्रॉम्पटन सोलेरियम नियो मॉडल। इस पे जो आउटर जो बॉडी है ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है जिससे कि ये आपका रस्ट फ्री बॉडी हो जाती है। इसके साथ साथ जैसा कि आपके वीनस में था ग्लास लाइन टैंक, वो भी इसमें आपको मिलता है, एनक्लो 800 एलिमेंट मिलता है। इसका जो टैंक है इस गीजर का वो सिंगल वेल्डेड टैंक है, मतलब कि उसमें सिंगल एक ही वेल्डिंग दी हुई है जिसकी वजह से ये 8 जहां वीनस का जो गीजर है वो 8 बार प्रेशर कंपेटिबल है, क्रॉम्पटन का सोलेरियम नियो मॉडल 10 बार प्रेशर कंपेटिबल। अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है या फिर प्रेशर पंप है तो आप बिंदास आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफी अच्छी है, पफ इंसुलेशन की काफी थिक पफ इंसुलेशन दिया हुआ है, 5-स्टार रेटेड गीजर है, वारंटी सेम है जो आपको वीनस में मिलती है 7 साल और 3 साल। बात करते हैं नंबर 2 की। रेकॉर्ड का ये एंडिस मॉडल हालांकि मेड इन वियतनाम है लेकिन इसका जो टैंक है ये स्पेशली डिजाइन किए हुए टाइटेनियम स्टील से बना हुआ है और उसके अंदर टाइटेनियम की कोटिंग भी की हुई है। तो अभी तक के जो दोनों मॉडल थे वो ग्लास लाइनिंग कोटिंग में थे, ये है टाइटेनियम कोटिंग में जो कि और भी बढ़िया कोटिंग होती है। साथ ही साथ सबसे जो अच्छी चीज लगी मुझे इसकी वो है इसका शेप और इसका काफी कॉम्पैक्ट साइज। तो अगर आपके यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई बाथरूम में कोई चीज लगी हुई भी सुंदर लगे तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि इससे सुंदर कोई गीजर अभी नहीं है। और ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है, जो इसमें जो पफ इंसुलेशन है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है। और रेकॉर्ड जो है वो लगभग 50 सालों से इंडिया में मार्केट कर रही है और वाटर हीटर कैटेगरी के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट वाटर हीटर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है रेकॉर्ड की। और अभी तक के जो तीनों जो मॉडल्स थे वीनस सेलो, क्रॉम्पटन सोलेरियम नियो और रेकॉर्ड एंडिस उनो, इन तीनों गीजर्स में जो सेफ्टी फीचर्स है वो लगभग बराबर हैं और जो वारंटी है वो भी बराबर है, टैंक के ऊपर 7 साल है, एलिमेंट के ऊपर 3 साल है और कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल है। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि भाई नंबर 1 पर कौन सा लिया, तो नंबर 1 पर है हैवल्स प्यूरो टर्बो डीलक्स वाटर हीटर। दोस्तों क्या है उसमें खास देखते हैं। दोस्तों अभी तक के सारे गीजर्स में सेफ्टी फीचर सेम थे लेकिन हैवल्स प्यूरो टर्बो डीलक्स गीजर के साथ में हमें मिलता है एक ही शॉक सेफ प्लग। शॉक सेफ प्लग का पूरा नाम वैसे ELCB भी है जिसे कि पूरा बोलते हैं कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन एनी केस अगर गीजर का एलिमेंट खराब होता है तो कई बार गीजर करंट लीक करता है नल के थ्रू, तो ऐसा कोई भी केस होता है तो उस केस में गीजर को सबसे पहले कट ऑफ कर देगा। तो ऐसा कोई भी केस जिसमें कि गीजर करंट लीक करे उस केस में ये गीजर को सबसे पहले कट ऑफ कर देता है, तो सेफ्टी के हिसाब से ये एक कदम आगे है। वारंटी की अगर हम बात करें तो जहां बाकी सब ब्रांड्स के जो गीजर थे उनमें जहां एलिमेंट के ऊपर 3 साल की वारंटी थी, इसमें मिलती है हमें 4 साल की वारंटी, तो वारंटी भी ज्यादा हुई। साथ ही साथ IPX4 प्रोटेक्शन के साथ में है, स्प्लैश प्रूफ है, इसका जो पफ इंसुलेशन है वो बहुत ही थिक और जो टैंक की क्वालिटी है वो शानदार क्वालिटी का टैंक यूज में लिया हुआ है, ग्लास लाइनिंग कोटिंग इसका टैंक है और जो हीटिंग एलिमेंट है उस पर भी ग्लास लाइनिंग कोटिंग की हुई है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है, 5-स्टार रेटेड गीजर हो गया।
लेकिन एक जो चीज जो सबसे अच्छी चीज इसकी वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वो है इसकी, इसमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक 1 किलोवाट का है और एक है 3 किलो, एक है 2 किलोवाट का। बेसिकली इसमें 3 मोड दिए हुए हैं नीचे की तरफ, जहां पे एक है ऑफ, एक है इको और एक है स्मार्ट और एक टर्बो। ऑफ पे ये गीजर आपका ऑफ हो जाएगा और जैसे ही आप इसको इको मोड पर चलाते हैं तो इको मोड पर इसका 1 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाता है। अगर आपको धीरे धीरे गर्म पानी चाहिए तो आप इसे इको मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं। स्मार्ट मोड पे इसका 2 किलोवाट वाला हीटिंग एलिमेंट चालू हो जाएगा और 1 किलोवाट ऑफ हो जाएगा, तो ये ऑपरेट करेगा 2 किलोवाट पे। तो आपको सभी गीजर्स की तरह इक्वल, आपको सभी गीजर्स की तरह बराबर आपको ये गर्म पानी देगा। और अगर आपको फास्ट गर्म पानी चाहिए कि भैया फटाफट, तो इसको आप चला सकते हैं टर्बो मोड पे। टर्बो मोड पे दोनों हीटिंग एलिमेंट 1 और 2 दोनों ऑन हो जाएंगे, तो टोटल आपका इलेक्ट्रिक कंजप्शन 3 किलोवाट और हर एक गीजर से 33% तेज गर्म पानी देगा। तो ये है इसमें कुछ नया कि अगर हम बात करें कि भाई हमें जैसी हमें सहूलियत, जैसी हमें हमारी जरूरत, वैसे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है और हैवल्स कंपनी की सर्विस काफी अच्छी है। ओवरऑल इनकी जो सर्विस नेटवर्क है पूरे इंडिया में। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट गीजर्स की लिस्ट की, हमने जो टॉप 4 वाटर हीटर्स चूज किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका यूज कीजिए, बताइए हमें, हम उसका जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।